किलर एक नंबर था, धमाल मचा देगा, रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा। चक्का भी झुकेगा नहीं। मैं साउथ से आया हूँ, मैं आंध्र प्रदेश आया हूँ देखने के लिए। पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर देखने लाखों की संख्या में युवा यहां पहुंचे हैं और इस युवाओं का कहना है कि अल्लू अर्जुन जिस तरह से राजधानी पटना में पहुंचे हैं और साउथ की जो मूवीज़ के लिए यहां पर प्रमोशन किया गया है वो काबिले तारीफ है। साथ ही इस पूरे मूवीज़ के बारे में क्या कुछ लोगों का कहना है, आइए सुनाते हैं। किलर एक नंबर था, धमाल मचा देगा। हाँ के मुकाबले कैसा रहेगा? क्या पुष्पा 1 के मुकाबले कैसा रहेगा? एकदम धमाल, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बहुत बम्पर चलेगी, उसका हम लोग फैन है, ये पूछा कमाल है, ठीक है। आज का प्रमोशन है, पूरा भारत का नंबर 1 फिल्म बनेगा ये वाला। पुष्पा 2 जो 5 दिसंबर को रिलीज होने वाला है, हम सब जाकर उसको आनंद लेंगे और ये इतना बहुत बड़ा अगर निकलेगा कि पूछिए मत, रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा, एकदम रिकॉर्ड तोड़ हो जाएगा। बाहुबली चलेगी, चलेगी जरूर, चलेगी एकदम। कैसा था ट्रेलर? झक्का ट्रेलर, बहुत मस्त था, मस्त था, मजा आ गया, फुल पैसा। ट्रेलर बढ़िया था, लेकिन देखने आए थे देख नहीं पाए, लेकिन ट्रेलर बढ़िया था। पराज कभी झुकेगा राज कभी झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फीलिंग लगा, बहुत ही अच्छा रोमांटिक है इनका। पुष्पा 1 बहुत अच्छा लगा, अब 2 का इंतजार है, कोशिश रहेगा पहला शो देखे फर्स्ट। हाँ पहला शो, पहला दिन, हाँ एकदम एकदम बहुत बहुत एकदम बहुत बहुत। सर कैसा था ये ट्रेलर? बहुत ही अच्छा था ट्रेलर लॉन्च, और ये अल्लू अर्जुन सर है, उनकी पैन इंडिया में बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे, लोगों का हुजूम है। लगा देख के बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा। क्या करेगी बॉक्स ऑफिस में? धमाल मचाएगी, धमाल मचाएगी, पूरा धमाल मचाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा है, सुपर हिट है, सुपर हिट है, और बहुत काफी सारे लोग आए हुए है, भीड़ तो जमाजम है एकदम, और ऐसा लग रहा है पहली बार बिहार में आए तो इसलिए ज़्यादा ही क्रश है लोगों के पास, और अल्लू अर्जुन और रश्मिका को देखने का, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पिक्चर चलेगी? चलेगी, सुपर हिट है, सुपर हिट, सुपर हिट, बहुत अच्छी चलेगी। पटना का वोट बढ़ गया, पटना का वोट बढ़ गया, ये बिहार का नंबर 1 मूवी बनेगा। उस पर झुकेगा नहीं साला। कैसा है ये? आई लाइक इट। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पुष्पा 1 के मैं साउथ से आया हूँ, मैं आंध्र प्रदेश आया हूँ देखने के लिए। आंध्र प्रदेश से जी? मैं बहुत अच्छा लगा देख के यहाँ पर, ऑलरेडी होम ग्राउंड मेरा पटना है, लेकिन मैं आंध्र प्रदेश में इसका पूरा फैन हूँ मैं, अल्लू अर्जुन का। क्या कुछ करेगी? बहुत कुछ धमाल मचाने वाली है, ब्लॉक बस्टर ऑल इन वन ऑल इन वन सर देखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या लगता है पिक्चर चलेगी? बहुत बढ़िया चलेगी, बहुत बढ़िया चलेगी, चलेगी सर। अल्लू अर्जुन कैसे लगे यहाँ पे? सुपर डुपर हिट, सुपर हिट। हाँ कैसा लगा ट्रेलर? बढ़िया लगा। क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पे चलेगी? हाँ बढ़िया चलेगा, बढ़िया चलेगा जी। पहले के सुपर पहले के पिक्चर को फ्लॉप कर देगी? हाँ उससे बढ़िया चलेगा ये, उससे बढ़िया जी। क्या कुछ कहेंगे सर यहाँ पे आप लोग आए थे गांधी मैदान में जी? इसका प्रमोशन करने बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, ये पुष्पा से भी आगे जाएगा, ठीक? पुष्पा से भी आगे, हाँ जी, पूरा फाड़ के निकलेगा, एकदम गारंटी, गारंटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं पटना में? ऐसा पटना में एक एक तो बिहार में इसका अपडेट कराया जा रहा है, मतलब ट्रेलर को लॉन्च किया जा रहा है, और बिहारियों का वो देख ही रहे हैं, स्वैग अलग है और सुपर स्टार है सर। पुष्पा 1 को फेल कर देगी? हाँ सर फेल कर देगी पूरा, चलेगी। हाँ सर चलेगी, तो अच्छा ट्रेलर था। पुष्पा 2 के मुकाबले पुष्पा 1 कैसी है? पुष्पा 1 तो बहुत अच्छी थी, पुष्पा 2 देखते हैं कैसी होगी, लेकिन उससे बेहतर ही है। हाँ उससे बेहतर लग रही है। क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस में चलेगी? हाँ चलेगी, चलेगी, हाँ बढ़िया बच्चा। सर ट्रेलर देखने आए थे? बहुत शानदार, बहुत शानदार, कुछ दिखा नहीं, मेरे आगे कम से कम 20,000 लोग होंगे और मेरे पीछे 20,000, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन ठीक था। स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा? हाँ स्क्रीन पे दिख रहा था। कैसा लग रहा है? बहुत शानदार, बहुत शानदार। बॉक्स ऑफिस में क्या करेगी? बहुत धमाल मचाएगी, धमाल एकदम एकदम, 1,000 करोड़ पार, 1,000 करोड़ पार, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ जो तमाम लोग हैं जो ट्रेलर देख करके वापस लौट रहे हैं, उनका कहना है कि निश्चित रूप से ये पिक्चर धमाल करने वाली है। जो भी पुष्पा 1 का जो फिल्म था उसे भी फ्लॉप करेगी और करोड़ों ही नहीं अरबों रुपया का ये फायदा देगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।